जीवनदायिनी पुण्यसलिला सलीला माँ रेवा के आंचल को प्रदूषण मुक्त करने के प्रति लोगों को जागरूक करने नागपुर रोड तिलवारा स्थित डीपीएस स्कूल के शिक्षक विद्यार्थियों ने क्लीन नर्मदा ग्रीन जबलपुर के संकल्प के साथ ग्वारी घाट में कार सेवा की। छात्र छात्राओं ने घाट पर फैली गंदगी को साफ करते हुए श्रद्धालुओं से भी नर्मदा तटों पर गंदगी न फैलाने की अपील की। प्रदेश की जीवन रेखा पुण्य सलीला माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच क्लीन नर्मदा ग्रीन जबलपुर का संकल्प लेकर नागपुर रोड तिलवारा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के शिक्षक और छात्र एवं छात्राएं ग्वारी घाट पहुंचे और उन्होंने घाट पर फैले कचरे को साफ करके लोगों को भी नर्मदा तटों पर स्वच्छता कायम रखने का सार्थक संदेश दिया। देश की भावी पीढ़ी का कहना है कि लोग यदि समय रहते जागरूक नहीं हुए तो माँ रेवा का जल प्रदूषित हो जाएगा। वहीं स्कूल के शिक्षकों द्वारा भी नर्मदा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वच्छता अभियान के तहत डीपीएस नागपुर रोड के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा स्वच्छता अभियान उमा घाट में किया गया। यह स्वच्छता अभियान बहुत ही अच्छा होता है। हमें हर जगह की सफाई रखनी चाहिए। जहाँ भी जाएं, जहाँ भी कचरा देखें, हमें हर जगह वहाँ पे रुक के हमें सफाई करनी चाहिए। हम बच्चे यह संदेश देना चाहते हैं कि हम भारत में कहीं भी हों स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस तरह हम अपने घर का ध्यान रखते हैं। आज हमने ग्वारी घाट में स्वच्छता अभियान किया है। हम दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड स्कूल के बच्चे हैं। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। हम यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तौर पर आए हुए हैं। हम यहाँ ग्वारी घाट में आकर सब कचरे को उठाकर समेटकर हम डस्टबिन में डाल रहे हैं। हम अगल बगल हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको साफ़ सफाई रखना चाहिए और हमको इंडिया को ग्रीन बनाना चाहिए। थैंक यू। डीपीएस नागपुर रोड तिलवारा घाट से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्वच्छता भारत अभियान के तहत हम यहाँ ग्वारी घाट में स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे ये संदेश देना चाहते हैं कि सब जगह स्वच्छता स्वच्छ रखें और सभी चीज़ साफ रखें। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गंदगी कहीं फेंके ना इधर उधर, सब चीज़ डस्टबिन का उपयोग करें। समुद्र में, नदियों में कोई भी मतलब कचरा ना फेंकें, पन्नी ना फेंकें, सब डस्टबिन में डालें। स्वच्छता अभियान के बाद आयोजित महाआरती में भी डीपीएस स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए और उन्होंने भी भक्तिभाव से माँ रेवा की आराधना की। हम लोग स्वच्छता अभियान की पूर्णता के साथ साथ शपथ भी ले रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने शपथ ली कि हम भारत को और जितनी भी नदियों का पावन तट है उसे साफ सुथरा रखेंगे और जिस शहर में भी हमारी जीवन रेखा बहती है उसे भी हम साफ सुथरा, स्वच्छ और पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ अपने विद्यार्थियों के साथ सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान को पूर्णता प्रदान किए और माँ नर्मदा जी की महाआरती में हम सब ने शामिल होकर पुण्य लाभ कमाया और शपथ ग्रहण की। नर्मदा जी की आरती चली, माता जी की उस आरती में दीपक शाला परिवार तिलवारा घाट के बच्चे, शिक्षक और समस्त स्टाफ आज आया हुआ है और स्वच्छता का अभियान लिया है और स्वच्छता के अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है और शहर को, नर्मदा तट को और पूरे राष्ट्र को स्वच्छता के अभियान के तहत हम ये प्रतिज्ञा लिएंगे और ले रहे हैं कि राष्ट्र को हम हमेशा सदैव साफ सुथरा रखेंगे।